नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। जी हां, आपको बता दें कि काफ़ी सारी बड़ी और सीधे काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसके बारे में जानना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हम हर रोज़ आप सभी के लिए कुछ ऐसी खबरें सिलेक्टेड लेकर आते हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि पूरे देश में क्या चल रहा है, और साथ ही ये खबरें बेहद ही आपके काम की भी होती हैं। इसलिए आप सभी को हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बहुत ध्यान से देखना है। साथ ही आपको हमारी इस वीडियो को लाइक करके और लोगों के साथ शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए बात करेंगे हम आज की सीधे पहली बड़ी खबर से। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अलग रह रही पत्नी को गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी से पति मुंह नहीं मोड़ सकता है। जानेंगे क्या है मामला। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि कोई अपनी परित्यक्त पत्नी को गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े और न्यायमूर्ति एस ए बोपन्ना तथा न्यायमूर्ति वी रमा सुब्रमण्यम की पीठ ने एक व्यक्ति को उसकी पत्नी को 2.60 करोड़ रुपए की पूरी बकाया राशि अदा करने का अंतिम मौका देते हुए ये कहा है। साथ ही मासिक गुजारा भत्ता के तौर पर 1.75 लाख रुपए देने का भी आदेश दिया है। तो जी हाँ, ये मामला है कि बहुत सारे लोग तलाक कर लेते हैं, अब ऐसे में पति बिल्कुल भी बच नहीं सकता, क्योंकि उसको अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देना ही होगा। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो तुरंत बदल लीजिए अपनी व्हाट्सएप की सेटिंग, नहीं तो हैक हो सकता है आपका अकाउंट। जी हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि कोई आपके व्हाट्सएप अकाउंट को हैक ना करे, तो आपको तुरंत अपने व्हाट्सएप की सेटिंग को बदल लेना चाहिए। इन दिनों हैकर्स ने व्हाट्सएप अकाउंट का एक्सेस पाने का नया तरीका खोज लिया है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जैक डॉफमैन की माने तो इस तरीके से हैकर्स अपने डिवाइस में आपका व्हाट्सएप लॉगिन कर लेंगे। साइबर एक्सपर्ट ने इस तरीके को विस्तार से समझाया है, इसलिए आप सभी को अपने व्हाट्सएप की सेटिंग का बहुत ख्याल रखना होगा। बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की, तो जी हाँ, ऑनलाइन पेमेंट पर ज़्यादा सावधानी बरतें बैंक ग्राहक, ग्राहकों को ना हो कोई दिक्कत, ऐसा कहना है RBI का। दोस्तों, RBI रिजर्व बैंक ने सभी बैंक और कार्ड जारी करने वाली संस्थाओं को दिशा निर्देश जारी किए हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से RBI को ऑनलाइन पेमेंट में कुछ शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद ये गाइडलाइंस जारी की गई है। RBI ने बैंकों को साफ तौर पर कहा है कि नई गाइडलाइंस को लागू करने में बिल्कुल देर ना करें, जल्द से जल्द ग्राहकों के लिए ऑनलाइन पेमेंट के सिस्टम को और सुरक्षित करें। मतलब ये है कि बैंक को देखना होगा कि ग्राहक के साथ किसी भी तरह से कोई धोखाधड़ी ना हो। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो वित्त मंत्री ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर दिया है बड़ा बयान। जी हाँ, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह अफसोसनाक मुद्दा है और कीमतों में कमी के अलावा कोई भी जवाब लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता। केंद्र और राज्य दोनों को उपभोक्ताओं के लिए उचित स्तर पर खुदरा ईंधन मूल्य में कमी लाने के लिए बात करनी चाहिए। चेन्नई में वित्त मंत्री ने कहा है कि OPEC देशों ने उत्पादन का जो अनुमान लगाया था, वह भी नीचे आने की संभावना है। तो कुल मिलाकर के वित्त मंत्री ने भी इस पर अफसोस जताया है। बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की, तो जी हाँ, पश्चिम बंगाल में बहुत जल्द इलेक्शन होने वाला है। अब ऐसे में TMC ने जारी कर दिया है अपना चुनावी नारा, बंगाल को चाहिए अपनी बेटी। जी हाँ, तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बंगाल की बेटी बताते हुए शनिवार को बंगाल को चाहिए अपनी बेटी का नारा दिया है। साथ ही स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे पर बहस को और बढ़ा दिया है। इस नारे के साथ बनर्जी की फोटो वाले होर्डिंग समूचे कोलकाता में लगाए भी गए हैं। तो कुल मिलाकर के TMC ने अपना काम लगभग कर दिया है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो जी हाँ, आज एक बेहद ही दर्दनाक घटना घटित हुई है। टाटा नगर स्टेशन के बाहर हुई ट्रेन दुर्घटना मच गई अफरा तफरी। जानेंगे क्या है मामला। दोस्तों, टाटा नगर स्टेशन में शनिवार सुबह 10:26 पर 5:00 बजे पूछताछ पर मालूम चला कि टाटा नगर रेलवे स्टेशन से आगे एक ट्रेन की दुर्घटना हुई है। फिर क्या था, सूचना मिलते ही पूरा रेलवे महकमा हरकत में आया। सभी रेल के अधिकारी किसी तरह दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और वहां पर जाकर के जरूरी संसाधन जुटाने लगे, और लगभग 10 मिनट बाद ही दुर्घटना स्थल के लिए रिलीफ ट्रेन को रवाना किया गया है। चलिए अब हम चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, तो जी हाँ, कांग्रेस नेता नाना पटोले का अक्षय और अमिताभ बच्चन पर निशाना, बोले वो सच्चे हीरो नहीं है, अगर होते तो करते हैं कुछ ऐसा। जी हाँ, अभिनेता अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन की फिल्मों को महाराष्ट्र में रिलीज नहीं होने देने और शूटिंग पर रोक की बात कहने वाले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने अब अपनी सफाई पेश। उन्होंने कहा कि वो अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनके काम करने के खिलाफ हैं। हालांकि सफाई पेश करते हुए भी नाना पटोले ने दोनों अभिनेताओं पर फिर से निशाना साधा और कहा कि वो सच्चे हीरो हो ही नहीं सकते। अब देखना है कि इस पर अमिताभ बच्चन और साथ ही अक्षय कुमार कैसे जवाब देते हैं। बात करेंगे हम एक और बॉलीवुड की बड़ी खबर की, तो जी हाँ,
KFC सुपरस्टार यश ने इस मामले में कर दी बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को मात। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि दक्षिण भारतीय फिल्म अभिनेता यश इन दिनों KGF 2 को लेकर के सुर्खियों में है। ये मूवी 16 जुलाई को सिनेमाघर पहुंचने वाली है। इस मूवी को लेकर इतना क्रेज है कि अभी से ही प्रशंसक मूवी की रिलीज को लेकर काफी उत्साहित हैं। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि अभी तक ऑडियंस के जहन से इस फिल्म के पहले भाग का क्रेज नहीं उतरा है। वर्ष 2018 में रिलीज हुई इस मूवी ने इतना गदर मचाया था कि हर तरफ कन्नड़ फिल्म अभिनेता के चर्चे होने लग गए हैं, और इस फिल्म को देखकर ऐसा लग रहा है कि शाहरुख खान को भी फाइनली यश ने बहुत पीछे छोड़ दिया है। चलिए अब हम चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। तो जी हां, नए बने मोटेरा स्टेडियम को देख गए खिलाड़ी हक्का बक्का। कुलदीप बोले, यहां खेलना अद्भुत अनुभव होगा। जी हां, 1982 में साबरमती नदी के तट पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन को जमीन दी गई, जिस पर मोटेरा स्टेडियम का निर्माण हुआ था। 2016 में इस स्टेडियम का पुनर्निर्माण किया गया और अब दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसे सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। और इस स्टेडियम में अगला मैच टीम इंडिया का होने वाला है, जहां पर खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस करने के लिए पहुंच चुके हैं, जिसे देखकर खिलाड़ी पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हां, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अचानक से बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले, सरकार ने दी है चेतावनी। दोस्तों आपको बता दें कि ये रियल में ही एक बेहद ही बड़ी घटना है, क्योंकि जहां हमें लग रहा था कि कोरोना वायरस वैक्सीन आने से घटेगा, तो एक बार फिर से कोरोना वायरस बढ़ने लग गया है। बता दें कि देश के कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले में अचानक से तेजी हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को चेतावनी देते हुए कहा कि केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 7 दिनों में छत्तीसगढ़ में भी कोरोना वायरस के मामलों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। तो निश्चित ही कोरोना वायरस का ये जो नया मामला देखने को मिल रहा है, इससे हर किसी को अब डर लगने लग गया है। बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो जी हां, आपको बता दें कि बिहार में मैट्रिक परीक्षा जारी, लीक हुआ सोशल साइंस का प्रश्न पत्र, नाराज मुख्यमंत्री ने दिए हैं जांच के आदेश। दोस्तों बिहार में चल रही मैट्रिक की परीक्षा के दौरान आज जमुई स्थित एक सेंटर से प्रश्न पत्र लीक होने की खबर पर जमकर हंगामा हो गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रश्न पत्र लीक मामले पर सरकार से सवाल पूछे। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में हर परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रश्न पत्र लीक मामले पर मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाते हुए जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि ये पहला मामला नहीं है जब बिहार में कुछ इस तरह का देखने को मिला है। इससे पहले भी अक्सर करके बिहार की जो परीक्षा बोर्ड है, वो सवालों के घेरे में खड़ी रहती है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हां, आपको बता दें, दिशा रवि की जमानत पर मंगलवार को आएगा फैसला। जाने दिल्ली पुलिस और बचाव पक्ष ने कोर्ट में क्या कहा। दिल्ली पुलिस ने पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान शनिवार को अदालत से कहा है कि टूलकिट महज एक टूलकिट नहीं था, असली मंसूबा भारत को बदनाम करने और यहां अशांति पैदा करने की थी। दिशा रवि ने व्हाट्सएप पर हुई बातचीत मिटा दी है, वह कानूनी कार्रवाई से अवगत थी। इससे जाहिर होता है कि टूलकिट के पीछे नापाक मंसूबा था। तो दोस्तों ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। हमें उम्मीद है कि आपको ये खबरें अच्छी लगी होंगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।